हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ऐसे करता हूँ आप सब ठीक होंगे। फिलहाल सुबह के 8 बज रहे हैं, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ चाय पी के। अभी फटाक से निकलना है, यहाँ पे अपना डब्बा रेडी है, पायल ने बना के रखा है। बॉटल खाली लेके जाता हूँ क्योंकि वहाँ पे जाके पानी भर लेता हूँ। फिर मैं बैग भी रेडी है, चलो डाल देते हैं इसके अंदर। चाय टाइम दोस्तों, चाय पी लो। इतनी एनर्जी नहीं थी सुबह सुबह मेरे पास, इतनी एनर्जी। चलो निकलता हूँ मैं ऑफिस। यार मेरे बाल बढ़ गए हैं काफी ज्यादा नीचे, ऐसे आंखों में आ रहे। अगर ये गाड़ी चालू हुई तो भाई मेहरबानी होगी, नहीं तो फिर है धक्का मारने के लिए सुनील, उसको बुलाना पड़ेगा ऊपर से। हाँ तो गाइस पहुंच चुका हूँ ऑफिस, चलो फटाक से अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। और आज और कल रहने वाला है मेरा ऑफिस। आज तो भाई अपना ये डेस्क है, नया वाला डेस्क बुक किया है। अरे है इधर पिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आज तो अजीब ही मशीन है भाई, देखो किधर भी घुमा सकता हूँ किधर भी। ये भाई मुझे पसंद आ गया, खड़ा रह के भी काम कर सकता हूँ ना भाई इधर। उसके साथ एक पंगा हो गया भाई, इसको ऊपर कर दे, अभी नीचे नहीं हो रहा है, पूछना पड़ेगा किसी से। तो दोस्तों अभी हम घूम के निकल रहे हैं ऊपर, खाना वाना हो चुका है, अभी थोड़ी देर काम करेंगे फिर निकलेंगे घर भाई। चाय टाइम दोस्तों, और अभी हम यहाँ पे मैच देख रहे थे, मतलब शुरू नहीं हुई अब तक, ढूंढ रहे चैनल कौन सा है। चाय के साथ सेव है दोस्तों, यहाँ जिस सेव मिल रहे हैं हम लोग। कौन सा है ये भी है कॉफी टोस्ट, और ये हमारी सब टीम है यहाँ पे। चलो गोल गोल, अरे ऑफ साइड हो गया भाई, बॉल जाने से पहले गया होगा अंदर। रूल समझाता हूँ, देखो करना ही पड़ेगा दोस्तों। मस्त मैच चल रही है, अभी ब्रेक खत्म करने का टाइम आ गया है। तो दोस्तों चाय ब्रेक खत्म हो गई अपनी, अभी निकलते काम करते हैं। अभी नहीं हुई, अभी टाइम लगेगा, अभी टाइम है। अभी चालू हुआ है, चलो दोस्तों निकलते हैं, अभी टाइम हो गया है 4:30-5 बज रहे। चलिए इधर देखो दोस्तों, क्रिकेट की टूर्नामेंट चल रही है, कितना बड़ा कैंपस है यार ये। आज मैं खरीदने वाला हूँ शूज, क्योंकि मुझे रनिंग स्टार्ट करनी है फिर से, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया है मुझे आलसी होके, और ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मैं एकदम ही आलसी इंसान बन जाऊँ, मतलब पीक पे पहुँच जाऊँगा अपनी लेथार्जी को लेके। तो इससे अच्छा टाइम से ही मैं थोड़ा सा है ना अपने फ्लो में आ जाता हूँ, नहीं तो एक पॉइंट के बाद बहुत ही दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए, तो इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रनिंग। दोस्तों अभी मैं आया हूँ प्यूमा स्टोर, चलिए यहाँ पे देखते हैं कोई हमें अच्छा सा शूज़ मिलता है या नहीं। वैसे मिलने को तो मिल जाएगा यार, पर मैं सोच रहा हूँ अच्छा अगर बजट में मिलता है तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे। तो दोस्तों रनिंग शूज़ खरीदना है अपने को, वॉकिंग का तो नहीं, रनिंग का देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे तो बहुत सारे शूज़ हैं, मुझे तो बेसिकली एक ऐसा शूज़ चाहिए जो मैं मतलब रनिंग के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, वॉकिंग के लिए भी कर सकता हूँ, या फिर कैजुअली भी कैरी कर सकता हूँ, उन्होंने ये वाला बताया है। और यहाँ पर भी हो सकता है, पर इसका प्राइस 5599 डिस्काउंट के बाद, भाई इतना महंगा। दोस्तों सोच रहा हूँ ये जैकेट भी बाय कर लो, क्योंकि बहुत ठंड बढ़ने लगी है, तो हमें टोटल 3 जैकेट्स लेने हैं, मुझे सुनील को और पायल को। तो यहाँ पे डिस्काउंट है 50%, तो देखते हैं। यहाँ पे पायल के लिए भी देखने के लिए आ गया हूँ, तो अगर पसंद आ जाते हैं तो 50% अवेल हो जाएगा हमें। दोस्तों काफ़ी देर से शूज़ खरीद रहा हूँ मैं इधर, एक दो मुझे पसंद आ गए हैं, पर उसका कुछ डिस्काउंट का लोच है, मतलब ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे रहे, तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ उनको, क्यों भाई खामखा पैसे खर्च कर रहे हैं इतने। तो देख रहा हूँ अच्छा वाला कोई मिल जाता है तो लेंगे, नहीं तो घर जाएंगे सीधा। प्राइस अगर बताओ ना एक एक की, इसमें मेरा घर चला जाएगा, इतनी प्राइस इनकी। ये वाला मुझे पसंद आ गया था, पर ये ना इसकी साइज नहीं आ रही फिटिंग, मुझे ऐसा ही हो रहा है अभी। तो दोस्तों यहाँ से अभी निकल रहा हूँ मैं, मुझे शूज़ एक दो पसंद आ गए थे, पर वो ज़्यादा ही प्राइस था उनका कुछ, तो मुझे सोचा, मैंने सोचा वही मॉडल मैंने ऑनलाइन देखा तो थोड़ा कम प्राइस लग रहा था, तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगा अभी। चलो निकलते हैं भाई, पहुंच गए सोसाइटी में। दोस्तों घर पहुंच चुके हैं और गर्मा गर्म खाना रेडी है। कैसा था तुम लोगों का आज का दिन मेरे सिवा पायल? हाँ?
हाउ वाज द डे? हो क्या ना हो क्या, हमें क्या, हमारा तो बिग बॉस चलते रहे। बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस पायल को है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। हाँ, इसलिए तुमने आज देखो गाइस बिग बॉस देख रहे है ना, नहीं तो हर रोज मुझे कॉल करती थी जब मैं ऑफिस जाता था ना। करती थी तू? मुझे आज बहुत बार ध्यान आया पर मैंने रहा देखी तुमने देख मैंने एक दो बार तुमने सोचा के पास गई। हाँ, फिर मैंने सोचा नेक्स्ट एपिसोड देख लेती हूँ पर मैंने नंतर इग्नोर कर लिया। इसको ऐसा लगा कि मैं कॉल करूंगा, आप कभी भी कॉल नहीं करते। वो तो रहेगा सुनील, मैं किसी को भी कॉल करता हूँ जिंदगी में। तो तुम इनको कॉल करते हो ना? नहीं करते। तुम दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहो, वो कॉल करेगा वो कॉल करेगा, दोनों एक दूसरे को मत करो। मैं तो इसके कॉल की राह देख रहा था, मुझे तो अभी आदत लग चुकी है कॉल करती है। मैं ऑफिस जाता हूँ तब मैं तो राह देखते रह गया, इसने कॉल ही नहीं किया। बताया जाए हम कहाँ जा रहे हैं? तो हम जा रहे हैं आटा पीसने के लिए क्योंकि हमारा आटा खत्म हो गया है। मुझे याद भी नहीं पिछली बार। हाँ, कब गया था? मुझे भी याद नहीं चक्की पे कब गया था मैं। मतलब हम जब छोटे थे ना मम्मी, हाँ तब जाते थे, बेचते थे हमें साइकिल पे गांव में। अभी सिटी में वही करना पड़ रहा है भैया भाई, भाई जिंदगी। चलो देखो जो काम करते वो भी पूरे सफेद हो रखे हुए, इसलिए हम मराठी में बात कर रहे भाई। कितना किलो है? शुरू हो गए भाई चक्की। चलो हमारा 7 kg है ना नाशिक। तो दोस्तों यहाँ पे अभी सब्जियाँ खरीदी जा रही है। आलू मत लो भाई ज्यादा। हाँ हाँ, बैंगन भी ले रहे भाई, सारी सब्जी की शॉपिंग करने वाले आज। दोस्तों ये जो पैच देख रहे हो ना आप, इसको बोलते हैं समर वाला पैच, मराठी में उन्हाड़ी कांदा बोलते हैं। और जो ये वाला पैच है लाल लाल, इसको लाल पैच बोलते हैं मराठी में, और ये इस सीजन का पैच है। दोस्तों अभी हम आए हैं आदि योगी खरीदने के लिए, दिस इज परफेक्ट फॉर हाँ हमारे कार के लिए। हमने जो लाया था वो ओरिजिनल था, ईशा फाउंडेशन से लाया हुआ, और वो काफ़ी बड़ा था इससे। फाइनली दोस्तों हमने आदि योगी भी खरीद लिए हैं, दिखा रहे आदि योगी। तो हाँ भाई ये वाले आदि योगी हमने खरीदे हैं। हमारे पास ओरिजिनल हमने ईशा फाउंडेशन से मंगवाया था, पर वो गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा था। पायल और कुछ लेना है? दोनों सेम ही है भाई, दोनों सेम ही है। चलो भाई एक काम तो हो गया, आज बड़े दिनों बाद पार्सल ले लेते हैं भाई। तो दोस्तों अभी हम कुछ स्वीट खरीदने के लिए आ गए थे, तो हमने काला जामुन लिया है। ये रहे हमारे गुलाब जामुन, पीस लिया भाई आटा। चलो अभी घर निकलते हैं। तो दोस्तों अभी हम खा रहे गुलाब जामुन, सुनील ने तो पहले खा लिया है, तो अभी हम दोनों ही बचे थे। तो पायल कैसा था आज का दिन? बढ़िया था? हाँ ठीक था, मेरे कॉल के अलावा। कॉल के लिए नहीं, ठीक था ना? इसी बोल रही थी मैं, मजाक कर रही थी। अच्छा पता है आपको कॉल करना अच्छा नहीं लगता। अच्छा मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं है? मतलब ऐसे याद नहीं रहता है, या फिर ऐसे बोल सकते इंटरेस्ट नहीं का क्या मतलब है? फिर याद नहीं रहता है, ऐसे कैसे हो सकता? मैं किसको कॉल करता तू बता, मैं किसी को कॉल नहीं करता हूँ। मेरा तो मोबाइल में मैं तो आजकल तो रिप्लाई भी नहीं करता हूँ, मतलब कोई व्हाट्सएप इधर उधर। बहुत बिजी हो गए हैं ना? वो चीजें हो रही है थोड़ी सी, इंस्टाग्राम यूट्यूब रील्स देखने में, इनके उनके वीडियोस देखने में यूट्यूब। चलो बहुत शाम बन रहा है तू। अब ये जाएंगे? नहीं नहीं प्लीज प्लीज, अरे मुझे पता नहीं था आप वीडियो निकाल रहे हो। मतलब देखो वीडियो नहीं होती तब कैसे बातें करती है? और वीडियो वीडियो क्या पर लगता है? वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक ब्रो, यू आर वेरी चालाक ब्रो। ये बिग बॉस देखती रहती ना, इसलिए वो उनको ये दे रही थी, वो नहीं बोल रही है तो मैं बोल रही थी सीधे, पर वो थोड़ी लैंग्वेज मेरी टपोरी है, टपोरी नहीं हो गई। वो MC स्टैंड को देखती है ना, थोड़े फ्रेम में आ रहे हैं हम लोग रे। एक
आजा थोड़ा इधर। तो दोस्तों मेरे फ्रेम में बैठ जा। हाँ तो दोस्तों चले इस ब्लॉग को ये पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग ब्लॉग्स, बाय। सुनील को जबरदस्ती गुलाब जामुन खिलाया जा रहा है अभी पायल के द्वारा। क्यों पायल अच्छा नहीं लगा तुम्हें? इनको खत्म करना है, वो जान रहा है उनको, इसलिए पायल खा रहे हैं। मैंने खा लिया है मेरा पहले। हम आपके साथ, आपके जैसे नहीं है ना। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm.